आज मैं पौष्टिक, हेल्दी और झटपट बनने वाले स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप बच्चों के लंच में या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। वेलकम टू अपनी रसोई, मैं संगीता। देखिए, इसे दो तीन घंटे हम मूंग दाल को फूलने दे देंगे। एक कटोरी मूंग दाल लिए हैं, इसे हम फुला कर ले लिए हैं और पानी को भी अच्छे से निकाल लिए हैं। अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे और 5-6 कली लहसुन के डाल देंगे और इसके अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। एकदम बारीक सी पेस्ट बना के हम तैयार कर लिए हैं। अब इस पेस्ट को बड़े से बॉल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। घोल काफी गाढ़ी थी, इसलिए थोड़ी सी पानी डालकर इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच राइस फ्लोर डालेंगे ताकि ये काफी क्रिस्पी और स्वादिष्ट बने। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी पानी और डालकर। इसे अच्छे से, काफी पतली घोल नहीं तैयार करनी है, हम गाढ़ी घोल ही बनाएंगे। अब हम नमक डाल दिए हैं, नमक आप स्वादानुसार डालें। हम 1/2 चम्मच नमक डाले हैं और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मरीच पाउडर, 1/4 चम्मच मरीच पाउडर हम दिए हैं और इसे 1 स्पून से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी सामग्री को। अब हम पनीर लेंगे 1 कटोरे में और उसमें हम बारीक काट कर बंधा गोभी लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर, 1 टमाटर को हम बारीक काट कर लिए हैं और 1 ओनियन को बारीक काट कर हम इसमें डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च को हम बारीक काट के डाले हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, मरीच पाउडर 1/4 चम्मच और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी चाट मसाला। अब 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे स्टफिंग बनकर रेडी हो गए हैं और उधर हम चिल्ले के घोल को भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे। अब एक तवा चढ़ाकर और उसे हम पानी डालकर थोड़ी ठंडा कर लेंगे और तब इसे ग्रीस कर देंगे। और इस तरह से 1 चम्मच बैटर डालकर हल्के हाथों से फैलाते हुए इसे पूरे तवे में हम फैला लेंगे। और इसे 2-3 मिनट ढक कर पकने देंगे। अब हम थोड़ी सी तेल से ऊपर से इसे ग्रीस कर देंगे। आप यहाँ पर रिफाइन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे पलट देंगे, देखिए काफी अच्छे कलर आ गए हैं। दोनों तरफ से सेक लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें थोड़ी सी सॉस लगाएंगे। हम यहाँ पर टमाटो सॉस लिए हैं और अब स्टफिंग डाल रहे हैं। इतनी स्वादिष्ट ये बनती है, इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने और खाने की इच्छा करेगी। इसे आप एक बार हमारी बताई हुई विधि से बनाएं और खाएं और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा
और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इस चिल्ले को आप हेल्दी पौष्टिक चिल्ले को आप बनाएं। बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी तवे में पानी छीटे, इसे एक कपड़े से हल्के हाथों से पूछ दे ताकि तवा की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और तब एक चम्मच चून इसमें बैटर डाले और उसे हल्के हाथों से इस तरह से फैला ले और ये बिल्कुल इसमें तेल का प्रयोग नहीं होता है, एकदम हल्के एक चम्मच तेल में आप इसे बना सकते हैं। देखिए, और इसे आप ढक कर भी पका सकते हैं और बिना ढके भी पका सकते हैं। आप इसे नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं, बस सावधानी इतना ही रखना है कि हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और इसे दोनों तरफ से अच्छे से उलटते पुलटते पकाने हैं। देखिए, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और हेल्दी और पौष्टिकता से भरपूर ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, वो बार बार बनाने और खाने की जिद करेंगे। और इसे एक चम्मच सॉस लगाएं, इसके अंदर स्टफिंग भरें और इसे फोल्ड कर दें। इस तरह से दाब के हम फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम सारे मूंग दाल स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए, हम बना लिए हैं, ये काफी देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार अवश्य बनाएं और अपने लाइक और कमेंट्स हमें जरूर भेजें। काफी सॉफ्ट और स्वादिष्ट रेसिपी है, हेल्दी और पौष्टिकता से भरपूर। इसे हम खोल रहे हैं, देखिए काफी पनीर और मसाले अंदर भरे हुए हैं। कितनी देर तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।